हेलो शॉपिंग लवर्स, आपने कभी कलमकारी आर्ट के बारे में सुना है? बिल्कुल, आज मैं आपके सामने वो ही कुर्ती लेकर आई हूँ कलमकारी प्रिंट की। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी बट ये मुझे मीशो पे मिल नहीं रही थी एंड फाइनली मुझे मिल गई, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली आते हैं इस आर्ट का जो साड़ी है, सूट है, ये सब। तो ये मुझे बहुत ही रीजनेबल रेंज में मिली, देखो 470 में के आसपास मिली है। और मैंने ये देखो, कलमकारी आर्ट क्या होते हैं, अपनी बहुत इंडिया की पुरानी आर्ट है। कलमकारी मतलब ऐसी कारीगरी जो कलम से की गई है। देखो इससे पास से लुक देखो कितना ब्यूटीफुल है, ये इसका नेक है। तो वही मैं आपको शेयर करना चाह रही थी, इतनी रीजनेबल रेंज में मीशो पे मिल गया। और ये कॉटन में बनाई जाती है, जस्ट ये जो फैब्रिक होता है जिसपे कलमकारी आर्ट होती है, ये कॉटन पे बनाई गई है। और तो मैंने इसको वॉश किया है, बिकॉज मैं आफ्टर वॉश रिव्यू देना चाह रही थी कि ये श्रिंक होता है कि नहीं, कॉटन कपड़ा था इसलिए। तो ये श्रिंक नहीं हुआ है। अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपको पसंद आई है, तो आप प्लीज़ अपनी साइज का ही ऑर्डर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, दो पाइपिंग दिया हुआ है नेक में, इस तरह से इन्होंने एक अलग कपड़ा लगाया है और छोटा सा एक टैसल दे दिया लुक के लिए। इस तरह का दो पाइपिंग इसमें आ रहा है। और साइड में देखिए, इसमें साइड में ये अलग फैब्रिक लगाया है, ये अलग फैब्रिक है, ये कलमकारी नहीं है बट ये कलमकारी है, दिस इज कलमकारी। सो वे को हैंड ब्लॉक कलमकारी कहते हैं, जो कॉटन कपड़े पे स्ट्रेट कुर्ती है। स्लीव्स देखिएगा, 3-4 स्लीव्स है इसमें, एंड कलर वलर तो इसका कोई जाएगा नहीं। देखो स्लीव्स पे भी इन्होंने काफी अच्छा फिनिश दिया हुआ है, एक अलग मैच के साथ, जो मैच इन्होंने यहाँ पे दिया है ना नेक पे, वही मैच इन्होंने यहाँ पे दिया है, स्लीव्स में दिया है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने पे। मतलब मैंने ये देखा कि अपने जो फॉरेनर्स है ना, फॉरेनर्स क्या करते हैं, बाहर से आके इनको खरीद के जाते हैं, और हम इंडिया में रहते हुए इन सारे फैब्रिक जो आर्ट है, जो कला है अपने इंडिया की, उनको हम वेयर नहीं कर पाते। तो ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में भी इसने प्रॉपर फिनिश के साथ दो पाइपिंग दिया हुआ है। तो देखो यार, 450-470 में इतना रीजनेबल रेंज का है, इस आर्ट को एंजॉय करिए। अपनी जो रेगुलर लुक है उससे एक डिफरेंट लुक में नजर आइए। तो बस यही बताना था। थैंक यू ऑल द शॉपिंग लवर्स।